कुंभ राशि वाले, जिनको यह समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है, जो आजकल सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप अपॉइंटमेंट्स आ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इस बारे में है कि पैसा आ तो रहा है पर बच नहीं रहा बिल्कुल भी। पता नहीं पैसा आने से पहले जाने के पाँव क्यों लग जा रहे हैं, पैसा आता नहीं और चला जाता है। यह समस्या आजकल सबसे ज़्यादा कुंभ राशि वालों के संग, जब से जनवरी के बाद से कुंभ राशि में आकर बैठे हैं शनि, तो सबसे ज़्यादा जो समस्याएं हमें दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं, हमारे सामने आ रही हैं, वो यही आ रही हैं कि धन कर ह्रास हो रहा है, धन अनाप शनाप खर्च हुए जा रहा है, कहाँ चला जा रहा है समझ में किसी के नहीं आ रहा, चाहे व्यापारी गण हो, चाहे नौकरी पेशा हो, यहाँ तक कि विद्यार्थियों का भी धन जो उनके घर से आ रहा है या फिर वो खुद भी थोड़ी बहुत इनकम करते हैं, तो उनको भी लगातार यह परेशानियाँ हैं कि पैसे कैसे भी नहीं बच रहे। तो क्या करना चाहिए ऐसे में उपाय कुंभ राशि वालों को कि पैसा जो भी वो कमाएं वो एक तरफ से बचने लग जाए, कम से कम अनाप शनाप खर्च तो बिल्कुल भी ना हो, यदि खर्च भी हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए, ना कि अनाप शनाप खर्च होकर ख़त्म नष्ट हो जाए, ऐसा ना हो। इसके लिए कर लीजिए यह उपाय। सबसे पहले सब्सक्राइब करें चैनल भविष्य नक्षत्र को, लाइक करें इस वीडियो को और जय शनिदेव सबसे पहले लग दें, क्योंकि शनि आपकी राशि में आकर बैठे हुए हैं सन 2025 तक, तो तब तक तो न जाने क्या क्या हो जाएगा। और कुछ भी बुरा ना हो इसके लिए लगातार बने रहें चैनल भविष्य नक्षत्र के साथ, बेल आइकन अवश्य दबा दें। क्या करना चाहिए मित्रों? करना यह चाहिए कि आपके घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं उनको यदि किसी प्रकार का कोई भी कठिनाई आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो उनसे उसके बारे में विशेष चर्चा करें कि माता जी, पिताजी, बाऊ जी, बाबा जी, आप किसी प्रकार से परेशान तो नहीं? यदि किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर के बुज़ुर्गों को है तो समझ लीजिए कि शनि को आपसे परेशानी है, पितरों को आपसे परेशानी है। तो अपने पितरों को खुश करने के लिए घर के बुज़ुर्गों से बात करना ज़रूर शुरू कर दीजिए और उनसे स्पेशली पूछिए, जाकर उनके पैर दबाइए, उनके कंधे दबाइए और उनसे स्पेशली पूछिए कि क्या आपको किसी भी प्रकार की, चाहे उनके पास पैसे न रहते हों इस वजह से वो उखड़े रहते हों, चाहे उनकी ज़रूरत कुछ भी नहीं, पर कई बार बुज़ुर्गों को ये होता है कि मेरे पास कुछ पैसे रहें, चाहे बच्चों को टॉफ़ी दिलाने के लिए ही सही, तो उनसे किसी भी प्रकार की उन्हें परेशानी आ रही है, तो सबसे पहले तो इस बारे में जान लें उनसे। तो ये आपको विशेष उपाय के रूप में काम करेगा कि आपके घर के वृद्ध यदि खुश हैं, कुछ लोगों के संग वृद्ध नहीं रहते, वो क्या करें, उनको किसी भी घर के आसपास जो भी वृद्ध लोग, आजकल क्या होता है कि मौसम कुछ खट्टा मीठा सा होता है, जब शाम का वक्त होता है तो कुछ बुज़ुर्ग घर के बाहर बैठ जाते हैं आकर, या फिर मंदिर के बाहर या पार्क के चक्कर लगा रहे होते हैं, तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, उनके मन की भेद लें, उनसे प्यार से बातें करें। यह भी एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है कुंभ राशि वालों के लिए। ये उपाय शायद यूट्यूब पर आपको कोई और नहीं बताएगा, आपको बाकी चैनल्स पर यह चीज़ें नहीं मिलेंगी, परंतु शनि क्या है? शनि है सेवक। यदि सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है, तो शनि सेवक है। यदि सेवा का अभाव यदि आप अपने मन में ले आएं और उसको दिखावा न करते हुए सच में अपने अंतर मन से ग्रहण कर लें, तो आपके शनि के किसी भी प्रकार की साढ़े साथी, किसी भी प्रकार की शनि की ढैया आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, उल्टा देकर जाएगी। और ये शुभ काम आप कल से नहीं, आज से ही शुरू कर दें और उसके बाद देखें कमाल। कहते हैं शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ भला करते हैं, गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ अरिष्ट लेकर आते हैं। तो शनि तो आपकी खुद की मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में आकर बैठा हुआ है, तो आप क्यों परेशान हैं? उपाय आपके घर में है, आपके घर के आसपास ही है, कर डालिए यह उपाय और उसके बाद देखिए जीवन कैसे परिवर्तित होता है। बहुत ही साधारण और बहुत ही सरल उपाय है, कोई और नहीं बताएगा यूट्यूब पर आपको। और जब यह जानकारी सिर्फ यहाँ मिल रही है भविष्य नक्षत्र पर, और ऐसा उपाय जिसमें एक रुपया ना हींग ना फिटकरी कुछ भी नहीं लग रहा, क्यों ना कर लें ये उपाय, तो बस सबसे पहले जाकर आज से ही यह उपाय शुरू कर दें और उसके बाद जैसे जैसे परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन आपके जीवन में आता जाए, आप भविष्य नक्षत्र को और ज़्यादा फैलाते जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही मित्रों, यह सरल सुगम उपाय आज से शुरू कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा रहा। जय शनिदेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, ओम नमः शिवाय।